गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर थर्ड पढ़ा रही हूँ। पार्ट वन का चैप्टर थर्ड है ये, सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है हमारे रेस्पेक्ट को बनाए रखना, न कि प्राइड से। इसका मतलब है, प्राइड मतलब होता है घमंड। इसमें क्या होता है, हम रूडली और लाइसेंसियस डिग्रेड करता है हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को। रूडनेस मतलब जिससे हम गलत तरीके से बात करते हैं, वो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाता है। इसमें इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स भी दिए गए हैं। एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, लास्ट में दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया था, उनको जेल हो गई थी और उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनको उनसे मिलने जाना था, इमीडिएटली घर जाना था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश रूल चल रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने उनसे पैरोल नहीं मांगी। पैरोल दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब जाकर जेल में से कुछ देर के लिए कैदी को बाहर निकाला जाता था, लेकिन उन्होंने पैरोल नहीं मांगी। ये उनको भारत माता की आंखों में एक अपराध लगा, इसलिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखा। देशभक्ति की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को देखने जाना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब एक दूसरा इंसिडेंट दिया हुआ है स्वामी रामतीर्थ का। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे, उन्होंने ब्रिटिश रिलीजन मतलब इंडियन रिलीजन एंड कल्चर को स्प्रेड किया। उनको वहाँ से बहुत सारे पैसे भी मिले, लेकिन उन्होंने फेमाइन हिट पीपल मतलब जो बाढ़ पीड़ित होते हैं, जो अकाल पीड़ित हैं, यहाँ पर फेमाइन मतलब अकाल से पीड़ित लोग थे, उन कंट्रीज़ में उन्होंने उस पैसे को दे दिया था। अब अमेरिकन्स ने बहुत एडमायर भी किया था उनको और उनको गिफ्ट किया, कोट पैंट और हैट भी गिफ्ट की, लेकिन उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अमेरिकन पहनावे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने रिप्लाई किया, ओनली ग्रेट इंडिया विल लुक ब्यूटीफुल ऑन राम्स हेड। मेरा ब्यूटीफुल इंडिया, मेरे सिर पर केवल ग्रेट इंडिया ही अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने अपने पहनावे को ही स्वीकार किया, जो उनको धोती कुर्ता पहना हुआ था ना, उन्होंने उसी को ही स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कोट पैंट और ये सब पहनना स्वीकार नहीं किया, कोट और ट्राउज़र पहनना स्वीकार नहीं किया। एक और इंसिडेंट है इसमें प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु का। अब प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ग्रेजुएट होकर आए थे लंदन यूनिवर्सिटी से, उनको अपॉइंट भी कर दिया गया था कॉलेज में, कलकत्ता में, फिजिक्स के लिए। फिर क्या होता है, वो इंग्लिश मैन थे ना, उनके साथ में ही इंग्लिश मैन को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियन को कम सैलरी मिलती थी, तो उन्होंने सैलरी लेना ही छोड़ दिया। ड्यू टू दिस ही फेस्ड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज, उनको बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हिज पे, उन्होंने अपनी पेमेंट लेना छोड़ दिया था। उनको अपना घर भी चेंज करना पड़ा था, एक्सपेंसिव हाउस है। अब वो क्या हुआ, ही मूव्ड, अब वो अपने महंगे घर से कहाँ पर मूव हो गए थे, सुबर्बन एरिया में, दूसरे एरिया में उन्होंने घर ले लिया। उनको बोट से हुगली नदी पार करनी पड़ती थी, उनकी वाइफ उनको बोट चलाकर छोड़ने जाती थी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आखिरी में डायरेक्टर थे जो वहाँ के, अल्टीमेटली द डायरेक्टर हैड टू एग्री एंड पेड बासु इक्वल सैलरी, और डायरेक्टर को उनकी बात माननी पड़ी और बसु को, जो जगदीश चंद्र बसु है, उनको इक्वल सैलरी देनी ही पड़ी। ओके, इसका पीडीएफ मैं आपको जल्दी ही सेंड करूँगी। थैंक यू।